हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो वैसे तो मेरे चैनल का नेम है हिमांशी मेकओवर। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हिमांशी मेकओवर में तो कुछ मेकअप रिलेटेड ही सब कुछ मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे हिमांशी नेम, और पहले मेरा सैलून भी था तो उसका नेम था, तो जब से ये वो चैनल बना हुआ है तो, बट वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली एक रेसिपी, पास्ता रेसिपी, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, यूनिक तरीके से है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे सारी ही चीजें अपलोड करूँ, फैशन, ब्यूटी, और आपका स्किन केयर, होम रेमेडी, होम किचन, मतलब एक्स वाई जेड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बट हिमांशी मेकओवर मुझे नेम अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नेम हिमांशी मेकओवर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बनाने वाली हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ मैगी के पैकेट्स लिए हैं, मैगी मसाले के पैकेट, तो उन मैगी मसाले के पैकेट लिए हैं, ठीक है। टमाटो है, पनीर है, और शिमला मिर्च है, और आपका प्याज है, और इसमें हरी मिर्च है, हरा धनिया है, और पास और मैक्रोनी है, ठीक है। और तो गाइस, मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहे उसमें बना सकते हैं, रिफाइंड में, ऑयल में, और आपका घी में, मतलब जो आपका मन करे आप उसमें बना सकते हैं, बट मैं अभी घी में बना रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, घी हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। आप लोग सोच रहे होगे जीरा जीरा कौन डालता है, अरे बट मैं डालूंगी ना जीरा, क्योंकि आप जब, पता है, सीरियसली गाइस, जब इस तरीके से बनाओगे ना, आप खुद कहोगे वाओ मजा आ गया, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है, प्याज और हरी मिर्च वो मैंने साथ में डाल दी है दोनों। एक्चुअली थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से बना रही हूँ। चैन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा, वैसे मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, कैसी लगेगी, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये पास्ता बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो प्याज को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा क्योंकि थोड़ी कच्ची कच्ची प्याज ही इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ शिमला मिर्च। बहुत लोग पहले डालते हैं, पर मैं तो कभी भी डाल देती हूँ, मतलब प्याज के बाद भी डाल देती हूँ, जैसे मुझे ठीक लगता है। तो हमारा शिमला मिर्च भी ऐड हो गया है इसमें, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा ही पकने देंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही पकने देंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी ही पक जाती है, ठीक है। तो बस हम इसमें थोड़ा सा ही पकने देंगे। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि इसमें शिमला मिर्च होना चाहिए, या आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लो, वरना ऐसा कोई वो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हमारा शिमला मिर्च प्याज दोनों हो चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी मैं। मैंने सब कुछ ऐसे ही लंबा लंबा सा ही काटा है, अब टमाटर को भी हम थोड़ा सा पकने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर इसको भी हम पकने देंगे, और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा टमाटर भी पक चुका है, अब इसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे पनीर तो पहले डालते हैं, ये बाद में क्यों डालती है। तो गाइस, मैं थोड़ी ऐसी हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग सा ही तरीका रहता है ना। और आप लोग भी ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि अलग है तो बेकार होगा, बट बहुत अच्छा सा लुक और बहुत अच्छा सा टेस्टी सा बनता है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ये भी पक जाएगा, इसमें पनीर भी पक जाएगा हल्का हल्का सा। थोड़ा सा फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो अब तो सारी सब्जियां और पनीर पनीर सब हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत लोग हल्दी नहीं डालते हैं पर मैं डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है ये, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ठीक है, तो इसमें हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। देखो आप अपने हिसाब से डालना, पर मैं तो धनिया पाउडर थोड़ा सा भर भर के 2 चम्मच डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 चम्मच भी डाल सकते हो, ना पर धनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो इसमें हमने अपना धनिया भी डाल दिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, थोड़ा गैस कम कर लूँ वरना जल जाएगा। अब थोड़ा सा डालूंगी मैं रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे फैमिली में सब ही कम मसाले खाते हैं तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी। और वैसे भी ज़्यादा मसाला, मतलब ज़्यादा मिर्ची ना अच्छी भी नहीं लगती है पास्ता वास्ता में, क्योंकि बच्चे बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइस इसको डालो चाहे मत डालो, बट हाँ यार मैगी मसाला तो ज़रूर डालना, क्योंकि ना इसका जो टेस्ट आता है ना सीरियसली मज़ा आता है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, मेरे कहने पे ही कर लेना। और अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने अनुसार डालना, क्योंकि मैंने ना पास्ता जो बॉईल किया था उसमें भी डाला था, तो स्वाद अनुसार नमक डालना। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। आप लोग बोलोगे इसमें तो पनीर, प्याज, मटर, सॉरी मटर नहीं, सब्जी बना दी, लेकिन सब्जी नहीं आ रही लगता थोड़ी थोड़ी सब्जी जैसी नहीं, लेकिन पता है मजा बहुत आएगा इसको खाने में। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी इसमें। तो मोस्टली हमने इसमें सारी चीजें ऐड कर ली हैं, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। ठीक है, मसाला पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता या मैक्रोनी, जो भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना, मुझे यही वाला अच्छा लगता है वैसे, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो फाइनली गाइस हमारा मसाला पक चुका है, गैस लो कर दूंगी। ठीक है, देखो इस तरह से ये ऑयल हो रहा है, तो ये मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम ना अपना पास्ता ऐड करेंगे, करके ना इसको बहुत अच्छे से चला लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छे से चला लेना। ठीक है, इसको चलाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा एक हाथ हो पा रहा है इसीलिए मुझे फोन रखना पड़ेगा, फिर मैं इसको अच्छे से चला के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो हमारा पास्ता जो है वो इक्वल हो चुका है सारा मसाला इनमें। ठीक है, मैंने अच्छे से चला दिया है। अब मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ ना ऊपर से मैगी मसाला, ये ना बहुत टेस्टी लगता है ऐसे ऊपर से जो डालते हैं ना, इसको भी मतलब डालने के बाद आपको चलाना है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही इसको सर्व कर लो। ठीक है ना, फिर इसको मैं पूरा, आप चाहें तो आधा पैकेट भी डाल सकते हैं, मतलब अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा तो आप आधा पैकेट, लेकिन इसमें इतना पता नहीं चलता है लेकिन बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है, तो इसको बस आप पूरा चला लो। देखने में तो सब्जी जैसा लग रहा है लेकिन खाने में पता है इतना ही टेस्टी भी लगता है ये, तो आप इसके कलर वलर पर मत जाओ, बस इसका टेस्ट टेस्ट करना। तो फाइनली हमारा पास्ता बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा हरा धनिया, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है हरा हरा धनिया। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया हरा धनिया, इसको भी हम थोड़ा सा चला देंगे जिससे इसमें पूरे में इसका जो है वो टेस्ट चला जाए धनिया का। ठीक है, तो गाइस फाइनली मेरा पास्ता बन गया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, खाने में यार बहुत टेस्टी होने वाला है अभी खाके बताओ। मजा आ गया यार, पता है गाइस आप लोग भी ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, सीरियसली बहुत टेस्टी पास्ता बनता है। ठीक है,
और अगर पास्ता पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका टेस्ट कैसा है, क्या है। और अगर किसी और रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे वो भी बताना, ठीक है। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना यार, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।